तो आज है 31 मई, कल हो जाएगा आपका 1 जून। और दोस्तों कुछ समय पहले गूगल जो फोटो है उसका अपडेट आया था कि 1 जून से जो है गूगल फोटोज के अंदर कुछ चेंजिंग हो रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या भाई, जो मैंने 1 जून से पहले यानी कि 31 मई से पहले मैं जितना भी फोटो को अपलोड करके रखा हूँ गूगल फोटो पे, क्या वो डिलीट हो जाएगा, या फिर से जितना भी हमारा हाई क्वालिटी का फोटो है, हाई क्वालिटी का वीडियो है, ऑटोमेटिक वो रिसाइज हो जाएगा यानी कि उसका क्वालिटी डाउन हो जाएगा, या फिर से फ्री में हम फोटो अपलोड कर पाएंगे कि नहीं, जैसे हमको 15 GB फ्री में मिलता था, या फिर से हमको परचेजिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का मन में अभी डाउट चल रहा है 1 जून से क्या क्या चेंजिंग होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अगर आप भी गूगल फोटो का यूज़ करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा किसी भी एंड्रॉइड से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक या फिर से गूगल अपडेट को लेकर। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है अगर हम गूगल फोटो का बात करेंगे तो डायरेक्ट हम गूगल फोटो में ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट मैं दिखाता हूँ जो अभी मैं रीड कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हो कि गूगल फोटो फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज एंडिंग जून 1 यानी कि 1 जून से खत्म हो जाएगा। तो हाउ टू डाउनलोड योर फोटो ऑफलाइन यानी कि आप फोटो को ऑफलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। या फिर से अगर आप चाहते हो कि आपका फोटो है और फोटो को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो पूरा एल्बम के साथ ही, उसको कैसे करना है वो भी चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों कि आप अपने लैपटॉप में या फिर से फोन के अंदर अपने गूगल आईडी को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे फोटो को यहाँ पे डाल देना है। फोटो फ्रेंड यहाँ पे डालने के बाद इस तरीके का जब ऑप्शन आ जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपका अकाउंट बैकअप है या नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा फोटो सेटिंग का, सिंपली इस पर टैप कर देना है, ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे आपका अगर डिसेबल है यानी कि ऑफ है तो सिंपली इस पर इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि सेटिंग के नीचे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट योर हाई क्वालिटी स्टोरेज यानी कि आपका हाई क्वालिटी जो स्टोरेज है, हाई क्वालिटी का जो वीडियो है या फिर से फोटो है उसका कुछ अपडेट है, वो क्या अपडेट है वो हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट में दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया कि आप 1 जून से आप जो भी हाई क्वालिटी में वीडियो है या फिर से फोटो को अगर आप बैकअप करते हो तो आपका जो 15 GB होगा उसमें काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों होगा क्या कि जब भी 15 GB फुल हो जाएगा उसके बाद से क्या ऑप्शन आएगा वो चीज़ में बात करने वाला। उसके नीचे में दोस्तों दिया हुआ कि यहाँ पे लगभग गूगल फोटो को 1 बिलियन लोग जो है इसको यूज करते हैं और हर हफ्ते 28 बिलियन फोटो जो है यहाँ पे गूगल के ऊपर अपलोड होता है। तो कुछ उसमें लो क्वालिटी होता है, कुछ उसमें हाई क्वालिटी होता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई क्या मेरा पहले से ही जिस फोटोज के अंदर जो वीडियो है और फोटो है अगर वो क्वालिटी उसमें अगर हाई क्वालिटी का है तो क्या उसमें इफेक्ट कोई पड़ेगा या फिर से वो सारा फोटो डिलीट हो जाएगा। तो उसमें आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन 1 जून से पहले जितना भी आपने हाई क्वालिटी को फोटो को अपलोड किया है उस 15 GB में गिना नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसको क्या किया जाएगा, वो डायरेक्ट आपको परचेजिंग करना पड़ेगा यानी कि आपको 100 GB कम से कम आपको बाई करना पड़ेगा तब जाके उसको हाई क्वालिटी उसमें आपका शो होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कुछ इन्होंने अपडेट भी दिया है कि अब क्या होगा कि जैसे 4 से 5 क्वालिटी के अंदर यहाँ पे फोटो आपको देखने वाला है। एक तो है आपको ब्लरी में दिखेगा, उसके बाद डार्क दिखेगा, एक लो क्वालिटी दिखेगा, एक हाई क्वालिटी दिखेगा, क्योंकि जिसका हाई क्वालिटी होगा उसको अपग्रेड करने का जरूरत पड़ेगा, 15 GB में वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं किसी और फ़ोन में या फिर से किसी और बंदे को अपना जो फोटो का एल्बम है उसको भेज कर और वहाँ से उस बंदे से डाउनलोड करवा लूँ या फिर से जहाँ पे नेट चलता है उससे एक्सेस करवा लूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है कि 3 डॉट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे सेलेक्ट एडिट एल्बम और नीचे में ऑप्शन मिलेगा एक ऑप्शन का, सिंपली ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक शेयर, यहाँ पे लेट एनीवन विद द लिंक सी फोटो एंड पीपल इन दिस एल्बम। अब सिंपली क्या करना है, इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड होगा क्या कि आपका एल्बम का एक यहाँ पे नीचे शेयर टू एप्स का ऑप्शन आएगा, क्रिएट लिंक ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इस लिंक का जो कॉपी होगा, URL जो होगा आप किसी बंदे के पास शेयर करोगे, वो बंदा क्या करेगा कि इस लिंक पे क्लिक करके आसानी के साथ डाउनलोड कर लेगा। ये तो हो गया कि आपका जो अदर बंदा है आपके फोन का कैसे वो फोटो को डाउनलोड कर सकता है, तो इस तरीके से आप करवा सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी हाई क्वालिटीज का जो भी इमेजेस है उसको आपको डाउनलोड करने के लिए, तो सिंपली उस पर टाइप कर दीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके पास डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ऊपर में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा फोटो है डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड अब सिंपली यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है और ये काफी ज्यादा MB का होगा। तो फ्रेंड ये रहा कुछ गूगल का न्यू अपडेट जो कल से लागू होने वाला है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।